प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने पाठ 17 छवि भीतरनी पढ़ा था, जिसके लेखक है अश्विन मेहता और साहित्य प्रकार है संस्मरण। तो हमने पाठ 17 छवि भीतरनी के तीन पार्ट देखे। ये तीनों पार्ट में हमने पूरे पाठ की समझूती देखी। हमने देखा कि किस प्रकार जो लेखक अश्विन मेहता है वो गांधी फिल्म के हीरो बेन किंग्सली की तरह दिखते हैं, और इसी वजह से लेखक अश्विन मेहता को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के खास अनुभव होते हैं, और वही अनुभव उन्होंने हमारे सामने पेश किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अश्विन मेहता ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनके यादगार जो अनुभव है, संस्मरण है, वो हमारे सामने रखे हैं। किस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में सफ़र करते वक्त उन्हें होटल का मालिक गांधी जी समझ लेता है और अलग उनका बहुत ही सम्मान करता है, उन्हें खाना खिलाता है और उसके पैसे भी नहीं लेता। दूसरा हमने देखा कि एक अमेरिकन हबशी जो है वो किस प्रकार फोटोग्राफी में अश्विन मेहता की मदद करता है, गांधी जी की बलिहारी ही उन्हीं की वजह से। और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार सिंथिया के साथ लंच मीटिंग में भी जो होटल के वेटर्स होते हैं वो भी गांधी जी को, अरे सॉरी, अश्विन मेहता को गांधी जी ही समझते हैं, इसीलिए वो भी उनका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। और उसके बाद हमने आखिरी वाक्या देखा था, आखिरी संस्मरण देखा था पाठ में, कि हिमालय के प्रवास के वक्त जब अश्विन मेहता कहीं रुकते हैं, मेहमान बनते हैं, तो वहाँ के जो यजमान होते हैं, जो घर के लोग हैं मतलब यजमान, तो वो किसान की वृद्ध जो बुज़ुर्ग माँ होती है उसे अश्विन मेहता से बहुत ही लगाव हो जाता है, उनकी बहुत ही देखरेख करती है, उनके खाने पीने का आराम का ख्याल करती है। और इस प्रकार ये संस्मरण याद करते हुए अश्विन मेहता की आंखें भर आती है। तो इस प्रकार हमने सभी वाक्य उनके देखे थे। तो आज हम आगे बढ़ते हुए पार्ट 4 में पाठ के प्रश्नोत्तर और शब्द समझूती पर रोशनी डालेंगे, और ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिख लेना है। सबसे पहले शब्द समझूती में देखेंगे समानार्थी शब्द। तो अप्राप्य, अप्राप्य का अर्थ होता है मड़ी न शके तेऊ, प्राप्त न थई शके तेऊ, यानी जल्दी हमें मिल नहीं सकती है ऐसी चीज़, अप्राप्य। यानी महिमा तो महत्व, अहमियत। गोधूली तो उसका अर्थ होता है समानार्थी या शब्दार्थ गायों ना चालवाती उड़ती धूड़, जब शाम के वक्त गाय अपने घरों पे मतलब कि अपनी जो जगह है मुकम्मल वहाँ लौटती है, तब जब उनका समूह चलता है और उनके पैरों से जो धूल उड़ती है उसे गोंधूली कहते हैं। सांझ वेड़ा यानी शाम का वक्त। मोह सुंझणू का अर्थ होता है वहली सवार, प्रभात, बहुत ही सुबह का वक्त, सूरज निकलने के पहले का वक्त। ये सभी शब्दार्थ भी आपको नोट में लिख लेने हैं। शीरामण इसका अर्थ होता है नाश्तो। सत्तू तो साथवो के शेकेलो अनाज नो लोट, एक प्रकार की खाने की वानगी है ये। बर्फानो मतलब के बर्फ युक्त पर्वतो, यहाँ जो बर्फ से छाए हुए पर्वत है, पहाड़ है, उसको बर्फानो कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द, ऑपोजिट। तो साधारण यानी सामान्य, आम जिसे कहते हैं, और असाधारण उसका विरुद्धार्थी। गामठी यानी गांव का, उसका विरुद्धार्थी है शहरी। श्वेत जैसे मैंने आपको बताया था, श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, गोरा, तो यहाँ उसका विरुद्धार्थी है श्याम। प्राप्य उसका विरुद्धार्थी है अप्राप्य। फायदो गैर फायदो। यजमान यानी जिसके यहाँ हम रुके हैं वो घर के व्यक्ति, और यजमान का विरुद्धार्थी है मेहमान। ध्यान बेध्यान, तो ये सभी शब्द विरुद्धार्थी शब्द भी आपको ख्याल में रखने हैं, नोट में लिख लेने हैं। रूढ़ी प्रयोग, डोड़ करवो तो बनावट करवी, नाटक करना, ढोंग करना जिसे कहते हैं। वात वणसी जवी मतलब वात बगड़ी जवी, बात बिगड़ जाना,
पेंगड़ा में पग गालवो इसका अर्थ होता है बराबरी करवी, बराबरी करना। शब्द समूह माटे एक शब्द तो मड़ी न शके एवं अप्राप्य, देखिए ये तीन जगह है, प्राप्य का विरोधी भी है अप्राप्य, अप्राप्य का समानार्थी या शब्दार्थ भी दिया गया है और शब्द समूह में भी ये है। तो मड़ी न शके एवं उसका एक शब्द है अप्राप्य। गायों ना चालवाती उड़ती माटी उसे कहेंगे गोंधुली। सवारनो नाश्तो तो उसे कहेंगे शिरामण। वात वणसी जवी तो काम बगड़ी जवू। दरेक जन्मे जन्मो जन्म अने धामा नाखवा मतलब के अड्डो जमावो जहाँ हम रहने वाले हो वो। उसके बाद देखेंगे प्रश्न एक, प्रश्ननी नीचे आपेला विकल्पों माथी साचो विकल्प पसंद करी खरानी निशानी करो। MCQs है, एक वाक्य में भी पूछे जा सकते हैं। होटल वाड़ो लेखक ने कया कारणे गांधीजी मनवा लाग्यो। पहला ऑप्शन है लेखक नो देखाओ गांधी फिल्म ना हीरो जेवो हतो। बी लेखक भारत थी आवी रहा था। सी लेखक पासे गांधीजी नो फोटोग्राफ हतो। डी लेखके गांधीजी नी वेशभूषा धारण करी थी, वेशभूषा यानी गांधीजी जैसा पहनावा पहनते थे वैसा। यहाँ चार में से आपको जो राइट ऑप्शन है सही है उस पर ये निशानी करनी है। तो यहाँ सही जवाब है लेखक नो देखाओ गांधी फिल्म ना हीरो जेवो हतो, एटले गांधीजी मानवा लाग्या होटलवाड़ा। दूसरा है लेखक ना टेबल नी आसपास पीरसणियाओ नो मेड़ो शा माटे जाम्यो हतो। तो ए ते टेबल नू बुकिंग थई गयु हतु। बी पीरसणिया आपस में झगड़िया हता। सी लेखक गांधीजी जेवा लागता हता एटले तेमनी सेवा करवा माटे। अने डी ते अश्विन मेहता थी परिचित हता। तो इसका आंसर आएगा सी, लेखक गांधी जेवा लागता हता एटले तेमनी सेवा करवा माटे पीरसणियाओ तेमनी पासे आव्या हता। तीसरा है आठमा एवेन्यू नाका पासे एक हपशी अमेरिकन शू वेची रह्यो हतो। तो मुखवास अने पान मसाला, गांधीजीना फोटोग्राफ्स, कैमेरा बेग के जूना अप्राप्य पुस्तकों अने सामयिको। तो इसका आंसर आएगा डी, जूना अप्राप्य पुस्तकों अने सामयिको। चौथा प्रश्न है गांधी फिल्म ना हीरो नु पात्र कोणे भजव्यू हतु। पाठ समझाते वक्त मैंने बार बार नाम लिया है, आपको याद होगा। ए बेन किंग्सले, बी अश्विन मेहताए, सी अमिताभ बच्चन है, डी शाहरुख खान है। इसका आंसर आएगा ए बेन किंग्सली है। गांधी फिल्म के हीरो का किरदार बेन किंग्सली ने निभाया था। इसके बाद देखेंगे नीचे ना प्रश्नों ना विस्तृत उत्तर लगो। लॉन्ग आंसर है क्वेश्चन आंसर, चार मार्क्स में पूछा जा सकता है। परदेश ना लोगों गांधी प्रत्येनो प्रेम तमारा शब्दों में लखो। तो यहाँ हमें सभी वाक्य बताने हैं शॉर्ट में, जो जैसे मार्क्स है वे उस प्रकार आपको लिखना है। अगर दो मार्क्स में पूछा जाए तो इसे थोड़ा संक्षेप में लिखना है, और अगर चार मार्क्स में पूछा जाए तो इसे थोड़ा विस्तार से लिखना है। गांधी जी ये सत्य ने हिंसानो मार्ग अपना भी देश ने आज़ाद करियो। गांधी विश्व मानव हता, तेमना आदर्श विचारों अने ते प्रमाणेना आचारों ने कारण ते विश्व में लोकप्रिय छे। एट नंबरो द्वारा तैयार थेली हिंदी अंग्रेजी फिल्म भाग्येज कोई जोई नहीं होय। तेमाना विचारों नी एवी असर छे के आ पाठ में लेखक ने थयेला अनुभवों वर्णन में प्रदर्शित थाय छे। लेखक अश्विन मेहता गांधी फिल्म ना हीरो बेन किंग्सली जेवा देखाय छे, एटले परदेश में ए ज्यां जाय छे त्यां एमनुं सन्मान थाय छे। आ प्रसंगों में जुदा जुदा देशना लोकोनो गांधी प्रेम जोवा मळ्यो छे। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं ये क्वेश्चन के आंसर को, या आपके पाठ में जो वाक्य बताए हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा बयान करके आप लिख सकते हैं ये क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है दूसरा, लेखक ने सिडनी जाता होटल में थैला अनुभव नु वर्णन करो। यहाँ एक ये सिडनी जाने वाले वाक्य का आपको वर्णन करना है। तो लेखक बस द्वारा सिडनी जा रहा था। लगभग 5-1 वाग्ये ड्राइवरे जाहिर कर्यु के सिडनी पहुँचता मोड़ू थशे। एणे एक गामठी होटल पासे बस ऊबी राखी। ड्राइवरे प्रवासियों ने जमवा माटे अर्धो कलाक आप्यो। बधा डाइनिंग रूम में गया अने पोतपोताना ऑर्डर नोंधाव्या। थोड़ी वार में बधाए जाते खावानु लावी जमवा मांड्यु। लेखकनो नंबर आव्यो छतां होटलनो मालिक तेमने खावानु नहोतो आपतो। लेखके एने बे वारनो टकोरो पण कर्यो पण एने सांभळ्यु नहीं। लेखक गुस्से थईने चालवा मांड्या त्यारे एने एमने माणस मोकली पाछा तेड़ाव्या, वापस बुलाया। ये सभी मैंने आपको समझा दिया है। तेणे कह्यु के तमे अमारा मोंघेरा मेहमान छो, आप अमारे महंगे खास मेहमान हो।
એણે લેખકને જાતે પીરસીને જમાડ્યા અને પૈસા જ ન જ લીધા. કારણ, લેખક ગાંધી ફિલ્મના હીરો બેન કિંગ્સલી જેવા દેખાતા હતા એટલે હોટલના માલિક ગાંધી ભક્ત બની ગયો હતો. તો યહાં ભી ગાંધીજી સમજ કર ઉને સ્પેશિયલ ટ્રીટમેન્ટ મિલી હોટલ મેં. ઉસકે બાદ કા પ્રશ્ન હૈ, લેખકને ન્યૂયોર્કની પંચતારક હોટલમાં થયેલો અનુભવ વર્ણવો. તો લેખક અને એક પ્રકાશક બાઈ સિંથિયાની ન્યૂયોર્કની મોટી પંચતારક હોટલમાં, પંચતારક હોટલ યાને ફાઇવ સ્ટાર હોટલમાં લંચ મીટિંગ હતી. મીટિંગ 2.5 કલાક ચાલી. બિલ ચૂકવીને સિંથિયાએ ઉતાવળ હોવાથી તે નીકળી ગયા. તરત જ લેખકની આસપાસ પીરસણિયાનો મેળો જામી ગયો. જો વેટર્સ થે ઉનકે આસપાસ ભીડ લગા કર ખડે હો ગયે. લેખકે એક અશ્વેત પીરસણિયાને બોલાવી પૂછ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું, તમે ગાંધી જેવા લાગો છો ને, એટલે તમને જોવા, તમારી સેવા કરવા બધા ભેગા થયા છે. એકે તેમના હસ્તાક્ષર માંગ્યા, એકને ઉનકા ઓટોગ્રાફ માંગા. લેખકે કહ્યું, બાય ગોડ, હું ગાંધી પણ નથી ને બેન કિંગ્સલી પણ નથી, છતાં તને અશ્વિન મહેતા ચિત્રી આપવામાં મને વાંધો નથી. તો ઇસ પ્રકાર યે ફાઇવ સ્ટાર હોટલ કા ભી ઉનકા અનુભવ થા. દૂસરા પ્રશ્ન હૈ, નીચેના પ્રશ્નોના 2-3 વાક્યોમાં ઉત્તર લખો. તો યે 2 માર્ક્સ મેં પૂછે જાતે હૈ પ્રશ્ન. ન્યૂયોર્કમાં લેખકને એક હપ્શીએ શા માટે મદદ કરી? એક હપ્શી ક્યું મદદ કરતા હૈ લેખક કી? તો ન્યૂયોર્કમાં એક હપ્શી જૂના અપ્રાપ્ય પુસ્તકો અને સામાયિકો ફૂટપાથ પર વેચતો હતો. પોતાના સંયોજન કમ્પોઝિશન માટે એને અમુક જગ્યાએ ઊભા રહેવાનું જરૂરી હતું. લેખકની મૂંઝવણ સમજીને તે હપ્શી તેમને મદદ કરવા તૈયાર થયો. જો લેખક અશ્વિન મહેતા હે ઉનકી ઉલઝન સમજ કે મૂંઝવણ યાને ઉલઝન સમજ કર વો હપ્શી ઉનકી મદદ કરને કે લીએ તૈયાર હો ગયા. ક્યું? કારણ કે તે ગાંધીજીનો પ્રશંસક હતો અને લેખક ગાંધી ફિલ્મના હીરો બેન કિંગ્સલી જેવા દેખાતા હતા. ઉસકે બાદ કા પ્રશ્ન હૈ, ન્યૂયોર્કની હોટલના પીરસણિયાએ લેખક પાસે હસ્તાક્ષર કેમ માંગ્યા? તો ઉસકા ભી વહી આન્સર આયેગા. ન્યૂયોર્કની હોટલના પીરસણિયાએ, પીરસણિયા યાને વેટર્સ, લેખક પાસે હસ્તાક્ષર યાને ઓટોગ્રાફ માંગ્યા. કારણ કે લેખક ગાંધી ફિલ્મના હીરો બેન કિંગ્સલી જેવા દેખાતા હતા. પીરસણિયો તેમની સેવા કરવા માંગતો હતો, ઉનકી ખિદમત કરના ચાહતા હતા, ઇસલીએ ઉનકા ઓટોગ્રાફ માંગા. યજમાન ખેડૂતની ગરડીમાંએ લેખકને કેવી રીતે વિદાય આપી? તો યજમાન ખેડૂત યાને જીસકે ઘર પર મહેમાન કે તોર પર અશ્વિન મહેતા રૂકે હુએ થે વો કિસાન, ખેડૂત યાને કિસાન. યજમાન ખેડૂતની ગરડી યાને વૃદ્ધ, બુઝુર્ગ માંએ લેખકના બધા ખિસ્સા જરદાલુથી ઠસોઠસ ભરી દીધા. બરાબર ઠસોઠસ ભર દીએ જરદાલુ સે ઉન્હોને અશ્વિન મહેતા કે ખિસ્સે, ક્યુકે વો હિમાલય કે પ્રવાસ કે લીએ આગે બઢને વાલે થે. પછી કપાળે ચાંદલો કર્યો, કપાળે મતલબ કે પેશાની પર, સર પર ઉન્હોને ચાંદલા કિયા, ચોખા ચોડ્યા ને લમણે ટાચકા ફોડીને તેમના ઓવારણા લીધા, મતલબ હાથો સે ઉનકી બલાઈયા લી. વળી હુકમ સિંહને કહ્યું કે રાત્રે કોઈ ડાગીયાને લેખકની પડખે સુવાડે. આ રીતે ગરડીમાંએ લેખકને વિદાય આપી. ઇસ પ્રકાર આખરી પ્રસંગમાં ભી ઉને યજમાન કિસાન કી જો બુઝુર્ગ માં હે ઉસકી લાગણી, ઉસકા પ્રેમ યાદ આ જાતા હૈ ઓર ઉનકી આંખે છલક પડતી હૈ ઓર યહીં પાઠ કા અંત ભી હોતા હૈ. તો ઉમ્મીદ કરતી હું પ્યારે બચ્ચો કે આપકો સબ શબ્દાર્થ ઓર જો પ્રશ્નોત્તર હૈ વો ભી સમજમાં આ ગયે હોંગે. તો યે સબ આપકો નોટ મેં ભી લિખ લેના હૈ. નેક્સ્ટ પીરિયડ મેં મિલેંગે, તબ તક કે લીએ અલ્લાહ હાફિઝ.